हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस तरह का नाम अभी बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, रील पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और यूट्यूब फेसबुक पे भी बहुत ही ज़्यादा इस तरह का नाम अभी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे अपने नाम का भी इस तरह से कैसे रील बना सकते हैं और कैसे अपने भी रील को वायरल कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखने में बहुत ही मस्त है। तो दोस्तों आप लोग बने रहे मेरे कंप्लीट वीडियो में, लास्ट तक कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप कैसे पूरी ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है अर्बन जंगल फॉन्ट। दोस्तों देख सकते हैं, आपको सर्च करना है अर्बन जंगल फॉन्ट। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हैं, सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा, यही वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा इधर साइड में, तो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो फिर से आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है और यहाँ से आपको फिर से आपको सर्च करना है अर्बन जंगल बैकग्राउंड वॉलपेपर। ठीक है दोस्तों, ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे इमेज पे सेलेक्ट कर लेना है। इमेज पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही सारा मिल जाएगा, जो भी आपको पसंद लगे आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम ये वाला डाउनलोड कर लिए हैं। इस पर प्रेस करके यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों, मेरा इमेज भी डाउनलोड हो गया, फॉन्ट भी डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है सर्च करके। हम यहाँ पहले से डाउनलोड कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह ओपन होकर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिलीट वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना इमेज साइज को सेट करना है। यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में दिख रहे थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे इमेज साइज पे चल जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, देख सकते हैं 1280 है। इसको आपको क्या कर लेना है, 9 कर लेना है इधर, और इधर कर लेना आपको 16। 9 और 16 कर लेने के बाद दोस्तों इसको ओके कर लिया है। ये मेरा रील वाला साइज पे आ गया है, जो कि रील बनता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, फिर से आपको इधर प्लस साइज वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके गैलरी को ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 वॉलपेपर डाउनलोड करके रखे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 वॉलपेपर डाउनलोड करके रखे हैं। तो चलिए आपको जो भी पसंद आए वो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं। चलिए इसको सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे टिक कर लिए। उसके बाद दोस्तों ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको बड़ा कर लेना है। चलिए यहाँ पे इसको खींच करके आपको नीचे ले आते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको एडिटिंग कर लेते हैं। एडिटिंग करने के लिए क्या करना है आपको, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे वाले नीचे में ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, तीसरा वाला। इस पर आपको क्लिक करना है और इधर आपको स्क्रॉल करके आ जाना है और यहाँ आपको मिल जाएगा कलर फिल्टर वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे नंबर ऑप्शन जो मिल जाता है सेचुरेशन, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेना है अपने अंदाज में, जो कि आपको अच्छा लगे देखने में, देख सकते हैं। तो चलिए कुछ इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे अब अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा ये वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से देख सकते हैं प्लस वाले आइकन आपको नजर आएगा टेक्स्ट, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इस पेन वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसको कट करके आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। तो चलिए हम अपना नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर में ओके है, ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको जो टेक्स्ट आपने क्रोम से डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको मिल जाएगा फॉन्ट वाले ऑप्शन, ये और बी लिखा हुआ है फॉन्ट वाले ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आपको मिल जाएगा, तो हमको ये वाला रिसर्व नहीं लेना है। क्या करना है, आपको जो फॉन्ट डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पे ऐड करना है। चलिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे माई फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम पहले ऐड करके रख दिए हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं बताते हैं कि आपको कैसे ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फाइल वाले आइकन आपको इधर नजर आएगा, 2 ऑप्शन नजर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपने क्रोम से डाउनलोड किया है वो इधर ही आके कहीं आपका होगा। तो चलिए मेरा जो है जो यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पर है, तो चलिए फॉन्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अर्बन जंगल वाले जो फोल्डर है इसमें मेरा आके यहाँ पे रहा है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे अर्बन जंगल है, इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इस पर एक बार फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे ऐड डायरेक्टरी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका इसी तरह से ऐड हो जाएगा। और ऐड हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये यहाँ पे आपका फॉन्ट ऐड हो गया है। और देख सकते हैं ये आपका नेम बिल्कुल तैयार है बनके। और ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे अपने अंदाज से आपको इसको सेट कर लेना है, जहाँ भी आपको बढ़िया लगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको इसको थोड़ा नीचे रहने देते हैं
और देख सकते हैं आपको फिर से एक बार क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा इधर आना, स्क्रॉल करना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्ट्रोक वाले, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको एनेबल कर देना है। इसको एनेबल करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, देख सकते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं देखने का इसका लुक कुछ अलग ही हो गया। तो दोस्तों अब इसको आपको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऊपर में जो ये आइकन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव इमेज, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है आपको मिल रहा है, इस पर कस्टम यहाँ पे है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इस पर अल्ट्रा कर लेना है। अल्ट्रा करने के बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा गैलरी में यहाँ पे आके डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई भी एप्लीकेशन पे आपको आप रील क्रिएट करके एडिट कर सकते हैं, काइन मास्टर से भी कर सकते हैं और VN एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसी तरह से आप भी अपने नाम को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।